Welcome back to BBVN online classes. In last video, we read about the command of DML, that is insert, update or delete. Today, we are going to discuss about the next command of DML is select. Select command is used to display the data or display the record from table. टेबल से डेटा ही अपन कह सकते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर आपको शो करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो देखते हैं अपन कैसे, यहां पे दे रखा है सेलेक्ट कमांड यूज टू सेलेक्ट और डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें फर्स्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इट मीन्स ऑल रिकॉर्ड, कि सारे के सारे रिकॉर्ड अगर आपको शो करने हैं तो आप क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे देखिए स्टार लिखा है, इट मीन सारे के सारे कॉलम शो होंगे, और अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम शो करना चाहते हैं तो अपन क्या यूज करेंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे। सपोज दैट सेलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी, इट मीन सारे के सारे नेम आपको शो हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन प्रैक्टिकल इसका। तो देखिए आपके सामने एक टेबल है जिसका नाम है ईएमपी, और यहाँ पे आईडी है, ई नेम है, डेजिग्नेशन है, कॉन्टेक्ट डीओबी और सैलरी। शुरू करते हैं अपन, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इट मीन सारे के सारे रिकॉर्ड हैं आपको शो होंगे, जैसा कि आपके पहले भी शो हो रहे हैं। तो ये आपकी कंप्लीट टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो आपका शो हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का नेम दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा ई नेम फ्रॉम टेबल, टेबल नेम है अपना ईएमपी। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, तो आप देख पा रहे हैं जो ई नेम है, इट मीन्स जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका डेटा आपके शो हो रहा है। मोर देन वन कॉलम आपको शो करना है तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे सेलेक्ट जस्ट लाइक ई नेम, एक मैं यहाँ पे देता हूँ डी एस डेजिग्नेशन फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओनली ई नेम और डेजिग्नेशन शो हो रहा है। तो अगर आपको सारे के सारे कॉलम शो करने हैं तो अपन क्या यूज करेंगे, स्टार फ्रॉम यूज करेंगे, और उसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम आपको शो करना है तो आप जो भी कॉलम है उसके नेम यहां पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू 101, इट मींस जिसकी आईडी 101 है वही डेटा शो, वही आपका रिकॉर्ड शो होगा। तो देखते हैं अपन, मैंने अभी लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इज इक्वल टू 101, इट मींस जो आई डी जिसकी 101 है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड शो होगा। तो आप देख पा रहे हैं ओनली 101 का डेटा आपके शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आई डी इक्वल टू 101 और आई डी इक्वल टू 102, अगर आपको दोनों का डेटा शो करना है 101 और 102 का, तो अपन यहां पे बीच में और का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आई डी इज इक्वल टू 101 और आई डी इज इक्वल टू 103 या 2, जो भी अपन यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मोर देन वन जो रिकॉर्ड आपका शो हो रहा है, तो और का यूज अपन कब करेंगे, जब आपको मोर देन वन डेटा आपको शो करना है, या अपन कह सकते हैं मोर देन वन रिकॉर्ड शो करना है। इसके अलावा भी इसका क्या यूज है अपन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इन 101 और 102। देखिए जहां पे आप और का यूज करते हैं वैसे अपन क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे इनका भी यूज कर सकते हैं, इसका थोड़ा सिंटेक्स है वो अलग है। देख पा रहे हैं आप आईडी इन, और देन आपको जो आपके पैरांथेसिस के अंदर है आपको अपना जो आईडी नेम है वो, सॉरी आईडी नंबर है वो देना है। तो यहां पे करते हैं अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इन, और यहां पे अपन को लिखना है 101 102 या जो भी आप यहां पे शो करना चाहते हैं, कोमा करके अपन यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 101 और 102 का डेटा आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी नॉट इन 101 और 102। देखिए यहां पे ये दे रखा है कि आपको 101 और 102 के अलावा सारा डेटा शो करना है, तो यहां पे अपन क्या यूज करते हैं, नॉट इन का यूज करते हैं। तो इनके साथ आप नोट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर
आईडी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट इन, और नॉट इन के आगे जो भी आप यहाँ पे आईडी नंबर दे रहे हो उसके अलावा सारे नंबर शो होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 101 और यहाँ पे लिखा 102। तो आप देख पा रहे हैं कि 101 और 2 के अलावा सारे के सारे रिकॉर्ड आपके शो हो रहे हैं 3, 4, 5। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है एंड। देखिए जैसे अपन ने और का यूज किया है वैसे अपन एंड का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज बनाता है। सपोज जैसे आपको 101 से 103 डेटा चाहिए, 101 से 104 चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी ग्रेटर देन इक्वल 101, या तो बड़ा हो या बराबर हो, एंड आईडी लेस देन इक्वल 103, या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी ग्रेटर देन इक्वल 101 एंड लेस देन इक्वल 103। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल साइन हमेशा बाद में आता है, 101 एंड आईडी लेस देन इक्वल 103। इट मींस ये एक रेंज बन जाएगी, 101 से लेकर 103 तक रेंज बन जाएगी। तो आपका डेटा शो हो रहा है 101 से लेकर 103 तक। तो ऐसे आप एक अगर आपको रेंज बनानी है तो आप यहाँ पे कोई भी अपना नंबर देके उसकी रेंज बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है, देखिए यहाँ पे देख रखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी बिटवीन 101 एंड 103। तो यहाँ पे ये बिटवीन है, अपन एंड किसी का बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी बिटवीन, और यहाँ पे अपन को लिखना है क्या 101 एंड 103। तो जो भी आप रेंज बनाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे 101 से 103 का रेंज बनाया है। अगर आपके पास डेटाबेस है, रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप वैसे भी अपने अकॉर्डिंग रेंज बना सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 101 से लेकर 103 तक का आपको जो रिकॉर्ड है वो आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है नॉट बिटवीन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी नॉट बिटवीन 101 एंड 103। इट मींस ये जो रेंज है इसके अलावा आपका डेटा शो होगा। तो देखते हैं अपन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी नॉट बिटवीन, यहां पे मैंने लिखा 101 एंड 103। इट मीन्स जो आपका 101 और 3 है उसके अलावा आपका डेटा शो होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस रेंज के अलावा अपना डेटा अपने टेबल के अंदर क्या था, 104 और 105। ठीक है, तो ये अपना बिटवीन। तो यहाँ पे आप और के साथ यूज करेंगे इनका, मतलब और के अलावा आप अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है तो अपन इनका यूज कर सकते हैं, और वैसे अपन क्या कर सकते हैं एंड और बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है, वो आता है, देखिए सेलेक्ट आईडी नेम, ये कॉलम नेम है वो आप शो कर सकते हैं फ्रॉम ईएमपी वेयर डीओबी इज नल। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है जिसकी डीओबी नल है, इट मींस आप नल के अकॉर्डिंग भी जो डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको कंप्लीट डेटा आपका शो कर देता हूँ टेबल का, सेलेक्ट स्टार फॉर्म, कंप्लीट के लिए अपन सेलेक्ट स्टार फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 105 डेटा है उसमें क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, नल है। तो अगर आपको इसका डेटा शो करना है तो अपन कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फॉर्म ईएमपी वेयर डेजिग्नेशन डीएसजी, और यहाँ पे इक्वल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे नल के साथ हमेशा इज का यूज आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नल। जैसे आप इंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जिसका डेजिग्नेशन नल है वही डेटा शो हो रहा है। तो अगर आपको पर्टिकुलर जो वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है तो अपन इक्वल साइन का यूज करते हैं या अपन रेंज बनाते हैं, और अगर आपको नल के अकॉर्डिंग शो करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, इज कीवर्ड का यूज करेंगे। ये एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है, कई बार ऐसा आता है डेजिग्नेशन इज इक्वल नल, तो वो गलत होगा। नल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्पल में दे रखा है वो कुछ ऐसे दे रखा है, सेलेक्ट यहाँ पे कॉलम नेम दे रखे हैं, तो सपोज दैट मैंने आईडी शो करना है और यहाँ पे मेरे को ई नेम शो करना है, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम ईएमपी वेयर, और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डेजिग्नेशन इज नल। वैसे आप इसको, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप
चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखें स्मॉल में लिखें या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईडी और ई नेम अपन ने शो किया है, तो वही दो कॉलम शो हो रहे हैं, उसका ही डेटा आपका जिसकी जिसका जो डेजिग्नेशन नल है वही आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट इज लाइक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर नेम लाइक और देन यहाँ पे क्या है फोर टाइम अंडरस्कोर। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब अपन को पैटर्न सर्चिंग करनी होती है तो अपन क्या यूज करते हैं, लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। तो कैसे कि अपन यहाँ पे डेटा ले रहे हैं सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर नेम या जो भी आपका कॉलम नेम होता है लाइक फोर टाइम अंडरस्कोर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपका नेम होगा उसमें फोर डिजिट होंगे वही नेम आपका शो होगा। तो देखते अपन टेबल अपनी, अगर मैं टेबल देखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी कंप्लीट टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर थ्री डिजिट का कोई नेम है तो वो राम है, सिक्स डिजिट के अंदर कौन सा है मुकेश और राघव है, और नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एट डिजिट में क्या है अभिषेक और जितेंद्र है, सॉरी यहाँ पे फोर और फोर एट और यहाँ पे फोर, हाँ ठीक है फोर, तो एट डिजिट के अंदर अपने पास क्या है अभिषेक और जितेंद्र है। तो अगर अपन चाहते हैं कि सिक्स डिजिट का डेटा जिसके नेम के अंदर सिक्स डिजिट आते हैं तो वही आपका शो, तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपना कॉलम नेम है ई नेम लाइक और यहाँ पर अपन डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर फोर टाइम अपन क्या यूज करेंगे अपना अंडरस्कोर। तो देखिए वन टू थ्री फोर, सॉरी यहाँ पे सिक्स टाइम करते हैं अपन क्योंकि सिक्स डिजिट अपने नेम के अंदर है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं सेमी कॉलम करके इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुकेश और राघव का डेटा शो हो रहा है क्योंकि दोनों के ई नेम के अंदर क्या है सिक्स डिजिट है। अगर आप चाहते हो एट डिजिट का डेटा शो तो अपन क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपन जो अपना कमांड है सेलेक्ट स्टार फॉर बी एम पी वेयर ई नेम लाइक, यहाँ पे अपन एट अंडरस्कोर का यूज करेंगे। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये अब अपन को जिसके ई नेम के अंदर एट डिजिट होते हैं वही डेटा शो करेगा। तो आप देख पा रहे हैं अभिषेक और जितेंद्र यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये पैटर्न सर्चिंग। नेक्स्ट एग्जांपल अपना आता है वो आता है देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज एल ए एल, इट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका वो डेटा शो हो जिसके ई नेम के अंदर शुरुआत में तो कुछ भी हो, मतलब शुरू हो कहीं से भी हो, लास्ट के अंदर क्या आना चाहिए एल ए एल आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन अपने टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो देखिए अपना जो कंप्लीट डेटा है उसके अंदर क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है जितेंद्र, तो मैं चाहता हूँ जिसके लास्ट के अंदर आर ए आता है वो डेटा शो। तो देखिए अपन इसका प्रैक्टिकल अपन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर और यहाँ पे अपन करेंगे ई नेम लाइक और यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले परसेंटेज साइन, इट मीन्स पहले तो कुछ भी आए लास्ट में क्या आए जितेंद्र, जितेंद्र के अंदर अपने पास क्या आ रहा है आर ए आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे आर ए और इसको अपन क्लोज करते हैं और सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जिसके लास्ट के अंदर आर ए आता है वो डेटा आपका शो होता है, जिसके ई नेम के अंदर आर ए आता है। तो ये अपना क्या जो पैटर्न सर्चिंग के अंदर अपन कैसे यहाँ पे जो परसेंटेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना आता है देखिए ये क्या कहता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर ई नेम लाइक श्री और देन परसेंटेज, जिसके शुरुआत में श्री आता है लास्ट में कुछ भी आए वो डेटा आपको शो करना है। तो देखिए अपनी टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपने पास क्या डेटा है, अपने पास है राम है मुकेश है राघव है अभिषेक और जितेंद्र है, अपन चाहते हैं जिसके शुरू में आ रहा है बाकी पीछे कुछ भी हो वो डेटा आपका शो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए डेटा राम और राघव आना चाहिए। तो देखते हैं अपन प्रैक्टिकल, देन सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर ई नेम लाइक और यहाँ पे मैंने किया शुरुआत में मैंने कर दिया आर और देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ परसेंटेज और इसको अपन किस में लिखेंगे डबल या सिंगल कोटेशन में लिखेंगे और नेक्स्ट अपन क्या यूज करते हैं अपना जो सेमीकोलन साइन, जैसे इंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जिसका नेम आर से शुरू हो रहा है वो आपका डेटा शो हो रहा है। तो राम और राघव दोनों आर से शुरू होते हैं लास्ट में कुछ भी हो। नेक्स्ट अपना आता है वो आता है देखिए यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट आईडी ई नेम फ्रॉम ईएमपी, इट मींस आईडी और ई नेम ही शो होना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फॉर्म का यूज नहीं किया है। वेयर सिटी लाइक
और देन यहाँ पे क्या दे रखा है परसेंटेज और परसेंटेज और बीच में यहाँ पे दे रखा है के. इट मीन्स जिसकी सिटी के आगे जो आपका सिटी का नेम आता है उसके आगे या पीछे कुछ भी हो पर बीच में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए के और ए आना चाहिए वो डेटा आपका शो. तो वैसे अपन अपनी जो टेबल के अकॉर्डिंग अपन करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा आप एक बार टेबल का सारा डेटा है वो शो कर देता हूँ. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है अपना सारा कंप्लीट डेटा आ रहा है. इसमें अपन इस बार यूज करेंगे डेजिग्नेशन को. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट और यहाँ पे स्टार फॉर्म करते हैं तो सारे के सारे कॉलम शो होंगे और पर्टिकुलर कॉलम को शो करना है तो अपन कॉलम नेम लिख देते हैं. तो मैं यहाँ पे सीधा स्टार फॉर्म से कर रहा हूँ देन स्टार फॉर्म ईएमपी वेयर और यहाँ पे मैंने लिखा डेजिग्नेशन लाइक. अब लाइक के अंदर अपन ने क्या किया है कि शुरुआत में कुछ भी हो लास्ट में कुछ भी हो बीच में क्या आना चाहिए एम ए एन आना चाहिए. तो अगर अपन देखें डेजिग्नेशन के अंदर सेल्स मैनेजर इसमें बीच में एम ए एन आ रहा है परचेज मैनेजर इसमें भी क्या आ रहा है एम ए एन आ रहा है. बाकी अपना आगे या पीछे इसका कोई भी जो डिजिट कैरेक्टर हो सकता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा लाइक तो यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे मैं लिखा एम ए एन और देन अगेन मैं यूज कर रहा हूँ परसेंटेज. तो ये क्या शो करेगा जिसके बीच में कहीं ना कहीं एम ए एन आता हो. तो आप देख पा रहे हैं ओनली कौन सा डेटा शो हो रहा है सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ रहा है एम ए एन आ रहा है. नेक्स्ट अपना आता है वो आता है यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर सिटी लाइक और यहाँ पे देखिए थ्री टाइम क्या है अंडरस्कोर है देन क्या है पी यू आर. इट मीन्स जिसमें टोटल सिक्स डिजिट हो फर्स्ट थ्री डिजिट कुछ भी हो सकते हैं पर लास्ट के थ्री डिजिट क्या होने चाहिए पी यू आर होने चाहिए. तो देखते हैं अपन इसका प्रैक्टिकल अपन करते हैं. देखिए अपना सारा का सारा डेटा आपके सामने शो हो रहा है. अब अपन चाहते हैं कि सपोज दैट कि जिसके ई नेम के अंदर शुरुआत में थ्री डिजिट होनी चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए एच ए वी आना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपना राघव वो शो होना चाहिए. तो देखते हैं अपन सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर वेयर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ई नेम लाइक और यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैं थ्री टाइम अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ आर ए जी की जगह और लास्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ एच ए वी. और जैसे अपन इंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि अपना डेटा कौन सा आ रहा है राघव का रिकॉर्ड अपन को शो हो रहा है. इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो कितने हैं सिक्स है और लास्ट में क्या आ रहा है एच ए वी आ रहा है. इसके अलावा अगर अपन कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फॉर्म ई एम पी वेयर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेजिग्नेशन. अब डेजिग्नेशन लाइक क्या होना चाहिए डेजिग्नेशन लाइक अब सपोज दैट कि अपन को यहाँ पे देना है कि जिसके शुरू में कुछ भी आए या अपन कह सकते हैं कि टोटल है यहाँ पे जैसे सेल्स मैनेजर है इसमें एस ए एल ई एस फाइव कैरेक्टर ये होते हैं एक स्पेस आ जाता है सिक्स कैरेक्टर ये होने चाहिए और लास्ट में आना चाहिए मैनेजर. ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल सिक्स डिजिट एस ए एल ई एस और एक अपना क्या हो जाता है स्पेस का और देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मैनेजर एम ए एन ए जी ई आर. इट मीन्स जिसके डेजिग्नेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो शुरू में डिजिट कितने होने चाहिए सिक्स और उसके बाद में मैनेजर आ रहा है तो वो अपना डेटा शो होना चाहिए. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है सेल्स मैनेजर. तो ये अपना पैटर्न सर्चिंग. तो आज अपन ने बात की क्या सेलेक्ट कमांड. ये जितने भी एग्जाम्पल हैं आप सारे आपकी नोटबुक में या तो राइट होंगे या आप करोगे उसको कंप्लीट और इवन कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू.